अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी छत पर आया हूँ मैं, सुबह से दूसरी बार छत पर जा रहा हूँ। सुबह से गया हुआ था और अभी वापसी आया हूँ, और खुशखबरी दी है फैसल उस्ताद ने, कबूतर पकड़ा है और बड़ा प्यारा सा कबूतर है माशाल्लाह से। अकेले अकेले में पकड़ लिया, उन्होंने वीडियो भी नहीं बनाई, तो अभी क्या कर सकते हैं, वीडियो नहीं बन सकी। कबूतर देखे पीछे बैठा हुआ है, काबली सा कबूतर है और पीली आंखों में, उसका मैं आपको शौक कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको चल के एक चीज दिखाता हूँ। करे फैसल उस्ताद अपने नीचे छत पे गए हुए, तो बंदा भी शौक कर रहा है, तो अभी कबूतर लेके आया, चलते हैं नीचे ही जाके उन कबूतरों का भी शौक करते हैं। दोस्तों मैं जो है भूल गया था, मैंने भोलू को खाना नहीं खिलाया, तो अभी मैंने भोलू को बाहर निकाला और इसको खाना वाना खिलाते हैं। मैं नीचे जा रहा था, फिर मुझे याद आया कि भोलू को खाना खिलाना है, तो अभी मैंने इसको निकाली, और मैंने जैसे इसको निकाला ये 2 मिनट लगा और ये उड़ गया था, सीधा ऊपर गया और फिर वापसी छत पे ही आ गया। हालांकि मैं इसको दूसरी जगह पे उड़ाता हूँ, ये वहीं पर आता है, बाकी अभी मैंने सीटी मारी तो वापसी छत पे ही आ गया। लेकिन भूखा हो रहा है, मैं इसको खाना वाना खिलाता हूँ, इसको पेट भराते हैं, फिर मैं आपको वो कबूतर दिखाता हूँ जो फैसल उस्ताद ने अकेले में पकड़ा है। तो ये देखें दोस्तों, सामने कबूतर भी आके बैठा है। भाई मैं भोलू को खाना ही खिला था और ये मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर, कबूतर बैठा हुआ है लेकिन इसका मुंह दूसरी साइड पे। अगर इसने मुंह इस साइड पे किया तो इसको उतारने की कोशिश करूंगा। इसे कबूतर पट्टी वाला सा लग रहा है, वाइट वाइट सा ज़्यादा हो रहा है। देखेंगे अगर उतरा तो फिर इसको भी पकड़ेंगे। फिलहाल अभी मैं भोलू को अपना जो भोलू खाना खा ले, फिर इसको बंद करूंगा। बाकी मैं आपको फिर अपने बाकी परिंदे दिखाऊंगा। कबूतर अपने उड़ भी रहे, देखें एक ये जा रहा, ये अभी उतर जाएगा थोड़ी देर में, कब से उड़ रहा है पता नहीं। तो ये देखें हाँ, फिर से उड़ गए कबूतर, और भोलू भी उड़ गया इनमें दोबारा से, वो जा रहा वो चला गया, छत वाले कबूतरों में उड़ने लग गए ये अभी, पता नहीं। ये देखें ये जा रहा, ये देखें ये आ रहा है भोलू, ये भी छत वाले कबूतरों में उड़ गया एकदम से, वो सारे उड़े, ये भी डर के मारे उड़ गया। ऐसा ना हो मुझे वहां जाना पड़े, छत पे ही आ जाए। लेकिन बाकी के उड़ रहे हैं, इनके साथ साथ ही उड़ रहे हैं, बहुत उतर भी जाए। आ, आ, ये तो उतर रहे हैं, वो भी उतर जाए, आ जा, कहाँ गया पता नहीं, ये आ रहा, वो चला गया, शिट, अब जाना पड़ेगा मुझे वहां पर। आ रहा, आ बोलो, आ गया, ये हाथ पे आएगा। इधर आओ, ये नीचे उतर गया, चेक करें, शुक्र है छत पे ही आ गया, हाथ पे नहीं उतर पाया बेचारा, एकदम से स्पीड में आया था। देखें सो तकरीबन हफ्ता हो गया मैं उड़ाने नहीं लेके जा रहा, और ये छत पे ही आ गया। लेकिन फिर भी क्योंकि हफ्ते से छत पे ही घूम रहा है मेरे साथ, बाकी कबूतरों में भी बार बार उतर रहा, आदत इसकी खराब हो रही है, तो इसको अलग से ट्रेनिंग सही से करानी पड़ेगी। देखें छत से ही उड़ा है और छत पे ही वापसी आया, पिछली बार मेरे हाथ पे आ गया था, इस बार मेरे हाथ में कैमरा था तो इसलिए थोड़ा बहुत डर रहा था, लेकिन शुक्र है आया छत पे ही, वरना फिर पैदल वो वहां तक जाना पड़ता, फिर इसको ले गए वहां से उतारना पड़ता, उतरता भी बड़ा मुश्किल से जब छत से उड़ जाता है। तो देखे कैसे हाँप रहा है बोलू, हफ्ते से इसको लेके नहीं जा रहा, ट्रेनिंग इसकी नहीं चल रही, तो अभी बेचारा थोड़ा सा उड़ के इतना हाँप रहा है, इसको लेके जाना पड़ेगा दोबारा से इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करानी पड़ेगी। तो दोस्तों बोलू को जो है मैंने बंद कर दिया, और अभी एक कबूतर आके बैठा है, और पता कहाँ पे बैठा है मैं दिखाता हूँ, वो टावर पे जाके बैठा है, पता नहीं क्या हुआ है, 3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ टावर पे काफी ज्यादा कबूतर आके बैठ रहे हैं, छत पे आने के बजाय टावर पे आके बैठ रहे हैं, अकेले अकेले जाके टावर में बैठ रहे हैं। अब देखेंगे वहां से उड़ता है तो फिर इस साइड पे आएगा तो उसको उतारने की कोशिश करेंगे। जो सामने बैठा हुआ था छत पर, उसको तो चील ने उड़ा दिया, अब टावर पे भी मुझे लग रहा है इसको भी चील उड़ाएगी, हो सकता है इस साइड पे हम उतारने की कोशिश करें, उतर भी जाए। तो मैं आपका भी वो कबूतर दिखाता हूँ जो फैसल उस्ताद ने पकड़ा है आज। देखें ये बैठा हुआ ये कबूतर है, पर हम लोगों ने इसके बांध दिए बाहर ही छोड़ दिया क्योंकि भूखा प्यासा हो रहा था। काबली टाइप से कबूतर लग रहा है, काबली ही लग रहा है, और आंखें मैं अभी आपको इसकी पकड़ के दिखाता हूँ कैसी हैं। तो ये चेक करें, ये कबूतर की आंखें हैं, पीली और ऑरेंज सी आंखें हैं, हालांकि कबूतर जो है रंग में काबली टाइप से है। अब देखें मुझे अकेले ही दिखाना पड़ रहा है क्योंकि फैसल उस्ताद जो है वहाँ काम करा रहे बराबर छत में। तो ये देखें ये कबूतर है, थोड़ा बहुत सा नजला टाइप सा भी हो रहा है, इसको खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है। देखें फोकस करता हूँ मैं, आंखें देखें इसकी, इसके मैं छोड़ देता हूँ ये जाए अपना घूमे, फिर इसको भी फिर आजाद करेंगे। बाकी जिस कबूतर के हमने 3-3 गलियां खोली, ओ ये वाला तो नहीं है, ये तो हमने कल पकड़ा था, जिस कबूतर की हमने 3-3 गलियां बांध के छोड़ा था ना, वो तो अभी मेरे ख्याल में ऊपर बैठा हुआ है, उड़ पा रहा है वो, लेकिन शुक्र है ज्यादा नहीं उड़ पा रहा, छत से नहीं गया वो, छत पर ही है। मैं आपको दिखाता हूँ किधर है, ये रहा ये देखें, इसको मैं उड़ा के दिखाता हूँ, ये देखें कैसे उड़ रहा है, फड़ 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 कर रहा है लेकिन उड़ रहा है। 3-3 गलियां बांधने से ये हो जाता है, कबूतर 3-4 दिन तक छत पे टिकता है, ऊपर नीचे होता है तो फिर पक्का हो जाता है, छत का जब उड़ता है तो उसको अपनी छत पहचान में आती है, वरना एकदम आसमान पे चले जाते हैं, फिर वो उनको छत पहचान में ही नहीं आती और वो फिर किसी और की छत पे उतर जाते हैं। बाकी अपने टीनों मीनू देखें आज खुले हुए हैं, और देखें पानी अभी चेंज किया था इन्होंने, दोबारा से गंदा कर दिया, ये लोग बहुत गंदा करती हैं पानी ना। बाकी अपने राजू रानी को भी रोटी डालनी है, मैं इनको चल के रोटी डाल देता हूँ। तो रोटी जो है मैंने भिगोई भी दी है, देखें ये भीगी हुई रोटी पड़ी है, इनको डालता हूँ, बाहर ही आ गया। चलो आ जाओ अंदर, आ जाओ, जाओ वहां से खाओ,
डाल दी मैंने इनको। बाकी इनका दाना पानी चेक करते हैं, पानी थोड़ा पड़ा हुआ, दाना भी थोड़ा पड़ा हुआ, इनको भी डालना पड़ेगा, इनको भी डाल देता हूँ। हाँ तो ये देखें यार, बड़े दिनों बाद अपना जंगली कबूतर जो ऐसे आ रहा है प्याली देख के। इसको दाना खिलाते थे पहले हम लोग, हैंड टेम हो रहा था ये, लेकिन फिर हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था, इसकी पैर लग गया था बाहर जंगली मादी के साथ ही, हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था। तो अभी देखें भूल गए शायद, मेरे ख्याल में अभी आ नहीं रहा, पहले ऐसे ही दिखा देते फौरन आ जाता था, अभी मेरे ख्याल में भूल गया। तो आ तो रहा था लेकिन शायद या तो मोबाइल हाथ में, इस वजह से डर है। कोशिश करता हूँ बुलाऊं, आता है करीब लेकिन हाथ पे उतरने से डरता है अब, क्योंकि जंगली कबूतर है, इतना पहले ट्रेन हो गया था कि हाथ से हार था, अब जो है फिर जंगलियों में रहा है थोड़ा टाइम, रात में बंद हो जाता है आ जाता है रात में, लेकिन दिन में देखें पहले हाथ से दाना खाता था, अब नहीं खा रहा, वो आदत इसकी ख़त्म हो गई शायद। लेकिन इसको दोबारा से ट्रेन करने की कोशिश करेंगे कि हाथ पे आके दाना खाया, वहाँ चला गया वो, चलो इसको दोबारा से ट्रेन करने की कोशिश करेंगे बाद में। तो दोस्तों जो भी कबूतर आगे बैठे हुए थे आसपास में वो तो सारे उड़ के चले गए, मैं कह रहा हूँ चलते हैं बराबर छत में, आपको उस भाई के कबूतर भी दिखाता हूँ, और उनके भाई एक असील मुर्गा भी है बड़ा प्यारा सा, वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ, और देखते हैं उनकी प्रोग्रेस कहाँ तक चली, क्या कर रहे हैं अभी वो लोग। पीछे आ गए दोस्तों फैसल उस्ताद, देखें यहाँ पे काफी देर से मेहनत कर रहे थे, अभी थक हार के बैठ गए, पीछे देखें इन्होंने कितना कबाड़ा किया, पूरा पिंजरा ऊपर का हिस्सा इन्होंने गिरा दिया, पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, लेकिन जो करना चाह रहे थे वो इनसे हुआ नहीं। बाकी कबूतर मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे बैठे हुए 9 कबूतर हैं अभी, सारे यहीं बैठे हुए, मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। देखें सबसे पहले नंबर पे जो बैठा हुआ है रेसर, बड़ा साइज में, बहुत हैवी सा, और देखें वाइब्रेशन कैसी कर रहा है, बैठा बैठा वाइब्रेट हो रहा है, और पीछे उसके एक चीना बैठा हुआ है सब। बाकी एक ये कबूतर मेरे को प्यारा लग रहा है काफी। ये देखें यहाँ पे एक तीतर भी रखा हुआ है, ये मेरी नजरों में नहीं था लेकिन अभी मेरी नजर पड़ी है, यहाँ पे एक तीतर भी पड़ा हुआ है, बाकी ये एक असील मुर्गा है, ये चेक करें, ये पिंजरे में बंद हुआ है, डबल जाली हुई है। बाकी वहाँ की अभी अंदर सफाई करें, वहाँ कबूतर शिफ्ट करेंगे आज, दिखाता हूँ मैं आपको, सफाई हो गई अभी फिलहाल, साफ वाफ कर रहे हैं सही से। तो ये देखें ये मुर्गा, मैंने अभी गेट खोला और चेक करे खाली, प्यारा सा माशाल्लाह से बिल्कुल बड़ा साइज है, पट्टा है अभी, और बड़ा प्यारा लगता है मेरे को ये। तो दोस्तों अपने कबूतर तो जो थे मैंने बंद कर दिए थे, तो अभी कल एक भाई थे वो पूछे थे कि आप किस मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हो, तो मैं रेडमी नोट 9S फोन है, इससे रिकॉर्डिंग करता हूँ, पूरी वीडियो एडिटिंग भी फोन में ही करता हूँ। बाकी अपने एक भाई थे उन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था मेरा नेम ले लेना, छोटू नेम था उनका, बाकी अपने अयास पठान भाई थे, और एक और भाई थे और रजा भाई नाम था उनका, और एक और भाई थे सुभान, इन्होंने कहा था नाम ले लेना, तो इनके भी नाम ले लिए। तो आज की वीडियो को यहीं भी एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।